जिला महिला चिकित्सालय में डिलीवरी के नाम पर मरीज के परिजन से 7,000 रुपए घूस लिए, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है, जिसके संबंध में जिला महिला चिकित्सालय के प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक एनके श्रीवास्तव ने गत दिनों डॉक्टर से स्पष्टीकरण मांगा तथा डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई के लिए शासन को पत्र लिखा। सीएमएस ने बताया कि प्रथम दृष्टया मामला सही पाया गया है, जबकि ओटी स्टाफ की भी इसमें मिलीभगत है, जिसका वायरल वीडियो में रंगे हाथ डॉक्टर के नाम पर पैसा लेते हुए कैमरे में भी कैद हुआ है, जिस पर सीएमएस कार्रवाई के लिए 10 दिनों तक मौन रहे। बुधवार को गोरखपुर न्यूज ने जिला महिला चिकित्सालय के प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक एनके श्रीवास्तव से ओटी स्टाफ पर कार्रवाई करने के बारे में जानकारी ली तो उन्होंने बताया कि महिला जिला अस्पताल में एक चतुर्थ श्रेणी का कर्मचारी वीडियो में पैसा लेते हुए पाया गया है, जो सेवा प्रदाता के माध्यम से चतुर्थ श्रेणी में कार्यरत है। तत्काल सेवा प्रदाता कंपनी को उसके खिलाफ कार्रवाई करने तथा जिला अस्पताल से सेवा समाप्त करने के लिए तत्काल प्रभाव से लेटर भेज दिया गया है और जल्द ही कर्मचारी को जिला अस्पताल से हटा दिया जाएगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए महिला जिला अस्पताल के प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर एन के श्रीवास्तव ने कहा, मैम मैं आपके पैसे ले आ रहे हैं कि स्टाफ को तब तो कुछ हेल्प हो जाए, स्टाफ के दौर पे भी हेल्प हो रहा है। मैम नहीं सब बात नहीं मैम मैं तब कुछ दो हजार रुपये। जाने देने को ज्यादा ही नौका हो जा रहा है ना, कहाँ मैम बुला रही है, तो कब तक हो जाएगा भैया, तो कब तक हैं? कुछ दिन पहले कर्मचारी का वीडियो वायरल हो रहा था, पैसा देते हुए क्या मामला होती करा दी? हाँ, वो वीडियो मुझे अभी जल्दी देखने को प्राप्त हुआ है और जो कर्मचारी उसमें आइडेंटिफाई हुआ है वो सेवा प्रदाता के माध्यम से यहाँ कार्य कर रहा था चतुर्थ श्रेणी में, तो उसकी इस कृत को देखते हुए सेवा प्रदाता कंपनी को उसके खिलाफ कार्रवाई करने हेतु यहाँ से जिला अस्पताल से उसकी सेवाएँ समाप्त करने वक्त सेवा प्रदाता एजेंसी को तत्काल हमने भेज दिया है और मुझे लगता है जल्द ही उसको यहाँ से वो यहाँ से हट जाएगा।